डूंगरपुर जिले की साइबर पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस थाना के उप निरीक्षक राजेश कटारा ने पत्रकारों से मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले की साइबर पुलिस थाना पुलिस के दल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा कर मेवात गैंग के मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर पुलिस टीम को प्रार्थी ने 20 अक्टूबर को लिखित रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा बताया गया था कि प्रार्थी की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी ने 2,28,500 रुपए खाते में धोखाधड़ी से जमा करवा लिए हैं। उसके बाद दिल्ली साइबर पुलिस ऑफिस के नाम से विक्रम राठौड़ के नाम से कॉल आया और उसने 1,15,000 रुपए की राशि की मांग की। तभी सभी अश्लील वीडियो डिलीट करने की मांग रखी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस थाना साइबर डूंगरपुर को विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सामरिया, पुलिस उप अधीक्षक मनोज सामरिया व साइबर प्रभारी थाना उप निरीक्षक राकेश कटारा व साइबर टीम के नेतृत्व में प्रार्थी पर आए अलग अलग नंबरों की जांच पड़ताल की गई तथा प्रार्थी द्वारा जमा करवाए गए राशि के खाता धारकों की डिटेल खंगाली गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिलती गई। वह मामले की गंभीरता को लेकर मामले का खुलासा करने के लिए साइबर पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर जाकर अपनी वेशभूषा बदलकर तकनीकी उपकरणों की मदद से वह स्थानीय मुखबिर तंत्र विकसित कर दबिश देकर अभियुक्तों से को डिटेन कर बाद में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हबीब खान ने उसके साथियों के साथ मिलकर देश के कई राज्यों में 1 करोड़ से अधिक की राशि ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। अभियुक्त कुलदीप के बैंक खाते में ठगी से प्राप्त राशि 2,21,581 रुपए सीज किए गए। वहीं अभियुक्त कुंदन के बैंक खाते को भी डेबिट फ्रीज लगवाया गया व 5,000 रुपए केस बरामद किए। वह देश के अन्य राज्यों से हुई ठगी के लिए स्टेट कंट्रोल रूम को भी मैसेज जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तों से पूछताछ जारी होकर बरामदगी के प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त हबीब खान पिता हक्कम खान मेव मुसलमान निवासी सेदमपुर थाना गोविंदगढ़ जिला अलवर, कुलदीप पिता जुगल किशोर शर्मा निवासी बसेड़ी कुंडाल थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ व कुंदन पिता राजाराम मेघवाल निवासी मलावदा थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया व पुलिस द्वारा शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है। इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक साइबर सेल थाना राकेश कटारा, हेड कांस्टेबल नवीन चंद्र, हेड कांस्टेबल कांतिलाल, कांस्टेबल महावीर सिंह, कांस्टेबल जोगेंद्र, कांस्टेबल हिमांशु व कांस्टेबल साइबर सेल हेमेंद्र सिंह का सराहनीय सहयोग रहा। खुलासा किया 20/10/2022 को प्रार्थी द्वारा एक परिवर्तन पेश किया गया था, जिसकी जांच की गई और अकाउंट के बारे में पता किया गया, तो ये पता चला कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है और उसको फ़ोन करके तथा वीडियो कॉल करके धमका करके पैसा ट्रांसफर किया। जब उन्हें अकाउंट के बारे में पता किया तो अकाउंट होल्डरों से पूछताछ की तो मामला धोखाधड़ी का होने से प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण संख्या 1 दर्ज करके 420 में दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। दौरान अनुसंधान अकाउंट होल्डर से पूछताछ की तो अकाउंट होल्डर द्वारा बताया गया कि कुलदीप पिता जुगल किशोर शर्मा तथा कुंदन मेघवाल दो लोगों ने उसको लोन का झांसा देकर के उससे अकाउंट खुलवाया था तथा उसकी पूरी किट जिसमें चेकबुक ATM पासबुक वगैरह सभी होते हैं वो उससे ले जा करके और उससे अकाउंट खुलवा लिया। उसे पता नहीं था उसका क्या यूज़ था। अब ये दोनों लोग एक ऐसे ऐसे लोन का झांसा दे करके अकाउंट खुलवाते थे तथा उस अकाउंट को करीब 5,000 रुपये में मेवात गैंग थी उनको भेज देते थे, जिसमें मुख्य सरगना था हबीब खान जिसको देते थे 5,000 रुपये। हमने अनुसंधान के दौरान इन दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद में आगे और कार्रवाई करते हुए मेन जो इसका सरगना है मेवात का हबीब खान उसको अभी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है, अभी उससे जब्ती रिकवरी वगैरह सारा अनुसंधान जारी है। सर ऐसी कितनी ठगी की है इन्होंने? करीब पूरे भारत में इन लोगों ने इस तरह से किया, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की ठगी की है। और अभी जो दो मुलजिम जो यहाँ के जिन्होंने अकाउंट दिए हैं उनमें भी हमने 2,20,000-21,000 के आसपास में पैसा सीज कराया है तथा कोई 5,000 रुपये बरामद भी किया है। ये वारदातों को किस तरीके से अंजाम देते थे? वारदात को ये फेसबुक से या व्हाट्सएप से चैटिंग करते थे कोई भी नंबर उठा करके, और उसके बाद में सामने वाले को चैट करके फिर उसको लड़की बन करके उसके बाद उसको वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करके उधर से कोई अश्लील लड़की का वीडियो वगैरह दिखा करके सामने वाले का वीडियो बना देते हैं और वीडियो बनाने के बाद में उसको फिर वापस धमकाते थे कि आपका
वीडियो बना दिया गया और यूट्यूब पे इसको डाउनलोड कर दिया गया और ऐसे करके पुलिस बन करके फिर उनसे पैसा मांगते थे, साइबर क्राइम दिल्ली विल्ली का नाम लेकर के उनसे ठगी करते थे। इसको वीडियो को डिलीट करने के हेतु इतना पैसा डालो इतना डालो करके, तो प्रार्थी डर के मारे डाल देते थे, इस तरह से ठगी करते थे। और कोई खुलासे इसमें और संभावना? और अभी हबीब खान को गिरफ्तार किया है, उससे अनुसंधान जारी है, आगे उस और आगे नाम वगैरह या और पैसा वगैरह कहाँ कहाँ किया उस बारे में अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले की साइबर पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी कर